नमस्ते फ्रेंड्स, आज लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन बनाएंगे। इसके लिए कार्डबोर्ड के 6 पीसेस को इस तरह से कट करके स्टिक कर दिया है, उसके ऊपर फोम स्टिक कर दिए है। अब इसको कपड़े से कवर कर रही हूँ। इसकी जगह आप कार्डबोर्ड बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेस स्टिक करेंगे। अभी शेप में कार्डबोर्ड को कट कर लिया है, इसे फैन बनाएंगे। फैन शेप में ही कट किया है। इसमें ग्लू लगा के कपड़े से इसको कवर करेंगे। ये दूसरा पीस है, इसको भी इसी तरह से कवर कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। स्टिक कर देंगे। इस तरह से स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक स्टिक बनाएंगे पेपर की, तो इसको रोल करते जाएंगे और ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। इसको 2 पीस में कर लेंगे। इसमें लेस स्टिक करेंगे, दोनों में ही लेस स्टिक करेंगे। फैन में पीछे की तरफ से बीड्स वाली लेस लगाएंगे। इसमें सामने की तरफ लेस स्टिक करेंगे। इसमें पैच लगाएंगे। इसमें स्टिक को अच्छी तरह से लगा देंगे। ऊपर की तरफ एक पर्ल लगा देंगे, बड़ा वाला पर्ल लगा रही हूँ। दोनों फैन को इसी तरह रेडी कर लेंगे। फैन बनके तैयार है। अब पिलोज बनाएंगे, तो बड़ी पिलो बनाने के लिए फोम को इस तरह से रोल कर रही हूँ, उसमें ग्लू लगा के स्टिक करेंगे। इस तरह के 2 पिलो रेडी करेंगे। इसको कपड़े से कवर करेंगे, ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिक कर देंगे। ऊपर से सिलाई करते हुए मोड़ देंगे। दोनों तरफ से इसी तरह सिल लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ दबा के सिल लेंगे। यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं, इसे स्क्वायर पिलो रेडी कर लेंगे। पिलो रेडी होने के बाद इसमें लेस को स्टिक कर देंगे। सामने की तरफ छोटी लेस को स्टिक करेंगे। दोनों पिलोज में इसी तरह लेस स्टिक करेंगे। इसमें भी पैच लगाएंगे, सामने की तरफ ही पैच स्टिक करेंगे। अब स्क्वायर पिलो में भी लेस लगाएंगे। दोनों पिलोज में लेस लगा के स्टिक कर देंगे। इस तरह से सिंहासन बनके तैयार है। पिलोज रखेंगे। फैन को रखेंगे। इस तरह से सुंदर सा आसन बनके तैयार है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं।